शासक प्रफुल्ल पटेल फिर मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री से। दमन दीव के ज्वलंत मुद्दे उठाए या गुलदस्ता लेकर आए। प्रशासक प्रफुल्ल पटेल ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री सुरेश प्रभु से मुलाकात की। प्रशासन का कहना है कि प्रशासक ने प्रधानमंत्री से मुलाकात में विकास कार्यों पर चर्चा की और रेल मंत्री से ट्रेनों में दमन दीव एवं दादरा नगर हवेली के आरक्षित कोटा शुरू करने की मांग की। दूसरी ओर प्रशासक ने प्रधानमंत्री से इस मुलाकात में दमन दीव के ज्वलंत मुद्दों, विद्युत निगम CRZ, सरकारी जमीनों से बेदखल करके बेघर किए जा रहे आदिवासियों के लिए आवासीय योजना हेतु फंड, हाईवे के करीबी बार रेस्टोरेंटों को बंद करने जैसे सैकड़ों परिवारों के समक्ष रोजी रोटी के खड़े हुए संकट जैसे मुद्दों के हल के लिए चर्चा की या मोदी जी को गुलदस्ता देकर चले आए, खुदा जाने। रेल मंत्री से दमन दीव और सिलवासा को सीधी रेल सुविधा से जोड़ने पर भी प्रफुल्ल पटेल ने कोई चर्चा नहीं की। देश के विभिन्न राज्यों के अपेक्षाकृत पिछड़े शहरों में मेट्रो ट्रेन दौड़ाने की कोशिशें हो रही हैं, वहीं दमन दीव दादरा नगर हवेली जैसे औद्योगिक पर्यटन दृष्टि से विकसित संघ प्रदेश आज तक रेल पटरियों का मोहताज बना हुआ है। यह सब तब हो रहा है जब केंद्र में प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल साहब की पार्टी भाजपा का एक छत्र राज्य है। जाने अब इससे अच्छा और कौन सा अवसर का मुहूर्त देखा जा रहा है।